ओके, तो रणबीर कपूर के फिल्मी करियर की दी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी एनिमल अब फाइनली थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई है, जिसे देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन है वो तो मैं तुम्हें वीडियो में आगे चल के बताऊंगा ही, पर उससे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा इस मूवी के डायरेक्टर संदीप रेंडी वांगा को, एंड इसका रीजन तुम्हें वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर की स्टोरी, जो कि एक्चुअली जो तुम्हें ट्रेलर के अंदर दिखाई गई थी कुछ कुछ वैसी ही है। लाइक अर्जुन प्लेड बाय रणबीर कपूर अपने बाप बलबीर सिंह प्लेड बाय अनिल कपूर से काफी ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन आगे चल के उन्हें कोई गोली मार देता है, जिसके बाद अर्जुन पूरी मूवी के अंदर उनका रिवेंज लेने के लिए आगे बढ़ता रहता है उस इंसान से जिसने एक्चुअली में उन्हें गोली मारी है। एंड यही कहानी का बेसिक प्लॉट है। आगे की चीजों को जानने के लिए तुम्हें थिएटर्स में जाके देखनी पड़ेगी एनिमल। बात करी जाए परफॉर्मेंसेस की, तो ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स ने काफी ज्यादा बेहतरीन काम करा है, स्टार्टिंग ऑफ विद रणबीर कपूर। लाइक दिस मैन कैन किल इट इन एनी रोल। देखो, इससे पहले हमने रणबीर कपूर को कभी भी एक्शन करते हुए नहीं देखा है, एंड जब वो एक्शन अवतार के अंदर एक्चुअली में आए तो पहली बात तो काफी ज्यादा बढ़िया लगे, और दूसरी बात काफी ज्यादा वायलेंट भी, एंड उनकी जो एक साइकोपैथ वाली पर्सनैलिटी बाहर आ रही थी वो काफी ज्यादा एम्ब्रेसिंग थी। बाकी अगर बात करी जाए अनिल कपूर की, तो भाई ही इज लाइक अ फाइन वाइन, समय के साथ साथ और भी ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। बाकी अगर बात करी जाए बॉबी देओल की, तो भाई उन्होंने एज अ विलन के कैरेक्टर के तौर पे बिल्कुल फाड़ के रख दिया है। उन्हें देख के एक्चुअली में रियलाइज होता है कि यार मतलब डाउनफॉल कितना ही बुरा हो जाए, कमबैक ऐसा होना चाहिए। उनकी सेकंड इनिंग वास्तव में काफी ही ज्यादा लाजवाब है, चाहे वो OTT सीन हो या फिर मूवीज हो। एंड इस चीज का रियलाइजेशन एक्चुअली हमें काफी ज्यादा पहले ही हो गया था, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो जब एनिमल का टीजर आया था तो उस समय बॉबी देओल का सिर्फ एक सीन डाला गया था, एंड सिर्फ उसी को देख के फैन इतना ज्यादा क्रेजी हो गए थे। तो सोचो 3.5 घंटे की मूवी के अंदर जब उन्हें दिखाया जाएगा तो क्या ही मजा आएगा। हालांकि मेरे को लगा कि उनके कैरेक्टर को और ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करा जा सकता था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है वो कम के अंदर भी बहुत ही ज्यादा बेहतर थे। बाकी अब बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्चुअल हार्ट की, जो है इसका एक्शन। लाइक इसका एक्शन काफी ही ज्यादा बेहतरीन है, काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट करा गया है, काफी ज्यादा ब्रूटल है वो, एंड वायलेंस भाई साहब छप्पड़ फाड़ के मिलेगा तुम्हें। स्पेशली जो इंटरवल से पहले वाला सीन था वो काफी ही ज्यादा बेहतरीन था। बाकी अगर बात करी जाए इसके BGM की, तो इसका BGM काफी ज्यादा सॉलिड है, एंड गाने भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। लाइक जब अर्जुन बिल्ली बजता है ना भाई, बाकी सारी चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता, इतना ज्यादा पंप कर देने वाला म्यूजिक है इसका। बाकी यार अगर मेरे को किसी नेगेटिव की बात करनी हो, तो भाई मैंने बोला था ना कि मतलब ऑलमोस्ट सारे एक्टर काफी ज्यादा लाजवाब हैं, एक को छोड़ के। रश्मिका मंदाना पता नहीं मुंह के अंदर क्या डाल के बात करनी थी, वो तो एक्चुअली में हमें ट्रेलर देख के पता चल गया था कि समझ में तो हमें कुछ नहीं आने वाला। एंड दूसरा इसकी लेंथ, आई थिंक इसे थोड़ा और एडिट करा जा सकता था। लाइक काफी सारे सीन ऐसे थे जो एक्चुअली में स्ट्रेच लग रहे थे, बट ऑल एंड ऑल मैं इसके नेगेटिव्स को काफी ज्यादा आसानी से इग्नोर कर सकता हूं, क्योंकि मूवी इतनी ज्यादा बेहतरीन है। इसके बारे में बात करने के लिए और भी काफी कुछ है, जिसे लेके आगे वीडियो जरूर आएंगी। एंड हाँ, एक बात और बता दो कि मूवी खत्म होने के बाद चले मत जाना, एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देख के जाना। एंड हाँ, बाकी यही था मेरा ओपिनियन के रिगार्डिंग, तुम्हारा क्या कमेंट करके जरूर बताना। एंड टिल देन बाय।